सो गाइज, आज यहाँ पे हम जो अपना एडमिन पैनल है वो कैसे वर्क होगा, उससे हम कैसे कंट्रोलिंग जो है अपना शॉपिंग ऐप का वो कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले मैं ये एडमिन ऐप यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप एडमिन पैनल ओपन करोगे, यहाँ पे टू टाइप्स के लॉगिन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। एक जो है वो एज अ सुपर एडमिन के लिए होगा और एक जो है वो एज अ शॉप मैनेजर के लिए होगा। तो फिलहाल मैं अभी तो शॉप मैनेजर करके यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक आईडी एंड एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि जो सुपर एडमिन होगा वो वहाँ पे आपको क्रिएट करके देगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अभी तो जो आईडी और पासवर्ड जो है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ से लॉगिन करता हूँ। ओके, जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये है हमारा एडमिन पैनल का होम पेज, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपने ऑनगोइंग ऑर्डर्स जो है उसका एक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके बाद ऐड रिमूव कैटेगरी, उसके बाद ऐड रिमूव शॉप, ऐड रिमूव प्रोडक्ट्स, ओके, देन एडिट आइटम, ऑफर्स, कंप्लीटेड ऑर्डर्स एंड शॉप की जो भी सेटिंग है वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल स्टार्टिंग में हम तो पहले देखते हैं कि ऑनगोइंग ऑर्डर का जो हमारा जो सेक्शन है वहाँ पे हम पहले देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। जब भी सपोज़ यहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़िलहाल अभी तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। सो फॉर टेस्टिंग के लिए सपोज़ यहाँ पे हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन में और यहाँ से एक ऑर्डर सैम्पल हम यहाँ पे पहले प्लेस करते हैं। ओके, तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे माय ऑर्डर सेक्शन में यहाँ पे कोई भी ऑर्डर यहाँ पे अभी तक नहीं है। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे ये जो आइटम है इसको मैं करता हूँ ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे कूपन कोड फिलहाल मैं यहाँ पे एंटर नहीं करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। इसके बाद जाते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर बुक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो ऑर्डर है यहाँ पे आपको सब दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो ऑर्डर की स्टेटस है वो फोर्थ सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर चाहो तो आप जब तक ऑर्डर कंफर्म नहीं होती तब तक यहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो। फिलहाल अभी तो मैं इसको कैंसिल नहीं करता। फिर से चलते हैं हमारे एडमिन ऐप में और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अपनी ऑर्डर है जो हमने प्लेस की थी वो यहाँ पे अभी विजिबल है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है व्यू ऑर्डर का। तो यहाँ पे इन डिटेल ऑर्डर आप यहाँ पे सभी देख सकते हो। इसकी जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपको अभी तो फिलहाल पेंडिंग में दिख रही है। अगर आप चाहो तो उस कस्टमर को डायरेक्टली यहाँ से कॉल का जो यहाँ पे सिंबल दिया गया है वहाँ से डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हो कन्फर्म करने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे की साइड में जो थ्री बटन्स दिए गए हैं वो ऑर्डर की स्टेटस जो है अपनी वो अपडेट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर कंफर्म करता हूँ, ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर शॉप मैनेजर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्डर में आइटम्स है अगर उसके पास अभी फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है तो वो डायरेक्टली उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं उसको सिंपली एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर एक्सेप्ट हो गई है। उसका जो स्टेटस है अगर आप चाहो तो उस यूज़र को व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी तो उसका स्टेटस जो है वो सेंड नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि जो न्यू ऑर्डर मैंने प्लेस की थी वो भी यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि एडमिन पैनल भी मेरे सेम मोबाइल में इंस्टॉल है, इस वजह से वो नोटिफिकेशन भी इसी फ़ोन में मेरी दिखाई दे रही है। अभी मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है। अभी हम देखते हैं कि यूज़र का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे फिर से हम जाएंगे ऑर्डर सेक्शन में, उसके बाद मैं जाऊँगा ट्रैक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर कंफर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है, मतलब
फर्स्ट स्टेप जो है अपनी वो कंप्लीट हो गई, और नीचे की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैंसिल बटन था वो डिसेबल्ड हो गया है, क्योंकि एडमिन ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर ली है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे अभी यूज़र ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। उसके बाद फिर से हम जाते हैं अपने एडमिन पैनल में। उसके बाद जब भी ऑर्डर जो है अपनी डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय के पास जाएगी, तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट करना है आउट फॉर डिलीवरी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बटन आउट फॉर डिलीवरी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे चाहो तो डिलीवरी बॉय का नेम भी दे सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं देता हूँ XYZ नेम एंड मोबाइल नंबर, सपोज़ यहाँ पे देता हूँ मैं ये वाला, ताकि वो यूज़र को भी जो डिलीवरी बॉय का जो डिटेल है वो दिखाई दे। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑर्डर आउट का ऑप्शन है ये भी डिसेबल हुआ है, एक्सेप्टेड का भी डिसेबल हुआ है। ओके, अभी हम चलते हैं पहले से फिर से यहाँ पे, इसको मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश ट्रैक ऑर्डर। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थर्ड स्टेटस है आउट फॉर डिलीवरी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे के साइड में जो डिलीवरी बॉय है उसका नेम जो कि हमने डाला था XYZ एंड हिज मोबाइल नंबर, वो भी यहाँ पे अभी शो हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो डिलीवर ऑर्डर का, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आपको कब करना है, जब डिलीवरी बॉय एक्चुअली ऑर्डर डिलीवर्ड करेगा फिजिकली, उस टाइम ये थर्ड स्टेटस हमें अपडेट करना है। यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ इस स्टेटस को एज ए डिलीवर्ड। ओके, यहाँ पे अभी डिलीवर्ड हो चुका है और नीचे के साइड में एक और ऑप्शन विजिबल हुआ है, दैट इज़ मूव टू डिलीवर्ड। अगर आप चाहो तो इस ऑर्डर को डिलीवरी करने के बाद यहाँ से हटा सकते हो। अभी तो मैं जाता हूँ फिर से इस एप्लीकेशन में, फिर से इसे करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर रिसीव्ड का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है, और नीचे के साइड में यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिलीवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो अपना ऑर्डर का जो सेक्शन है यहाँ पे फिर से व्यू ऑर्डर में आप देख सकते हो कि मूव टू डिलीवर्ड ऑप्शन अभी भी विजिबल है। अभी इसको मैं क्लिक करता हूँ और इस ऑर्डर को क्लियर करता हूँ। ओके, अभी जो ऑनगोइंग ऑर्डर्स है उसमें से ये ऑर्डर मूव होके वो गई है अपनी कंप्लीटेड ऑर्डर में एज अ इन फ्यूचर डेटाबेस के लिए। देख सकते हो कि जितने भी डिलीवर्ड ऑर्डर है यहाँ पे आपको शो करेगी। ये हो गया हमारा पहला फीचर ऑर्डर का। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमको इस शॉप में, फ्रेश फ्रूट नेम से एक शॉप है, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कैटेगरी में, यहाँ पे अभी फ़िलहाल इतनी सारी कैटेगरीज ऐड की है मैंने। अगर आप चाहो तो और कैटेगरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लस का सिंबल दिख रहा है ऊपर के साइड में, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी की इमेज आपको पहले अपलोड करनी है। ओके, उसके बाद कैटेगरी का नेम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम देता हूँ एज अ सैम्पल। ओके, इट्स अ सैम्पल कैटेगरी एंड इसको करता हूँ मैं अभी सेव। तो यहाँ पे नीचे के साइड में आप देख सकते हो कि जो हमने कैटेगरी ऐड की है सैम्पल नेम से, यहाँ पे विजिबल है। अभी हम चेक करते हैं कि अपना जो यूज़र ऐप है वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हुई या नहीं। तो अभी ओके, इसको अभी मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको मैं फिर से करता हूँ ओपन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने सैंपल की कैटेगरी ऐड की थी वो यहाँ पे अभी शो हो रही है। अभी फ़िलहाल इसमें कोई आइटम्स ऐड किए नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक भी आइटम यहाँ पे नहीं दिखाई देगा जब तक हम इसमें आइटम ऐड नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमने कैटेगरी क्रिएट की है। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे। ओके, सपोज़ अभी फ़िलहाल मुझे ये कैटेगरी जो है डिलीट करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको रिमूव करूँगा, तो वो कैटेगरी यहाँ से निकल जाएगी। ये हो गया हमारा कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन। उसके बाद आता है ऐड प्रोडक्ट्स। ओके, जितनी भी सारी कैटेगरीज है उसमें अगर आपको आइटम्स ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में आपको आइटम ऐड करना है। सपोज़ यहाँ पे मैं डेयरी की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ से मैं
अभी फ़िलहाल फिर से एक इमेज अपलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक इमेज अपलोड हो चुकी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। सपोज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया, फिर से अगर मुझे सेकेंड इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इस सेकेंड ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पे मेरी दो इमेजेस यहाँ पे फ़िलहाल अपलोड हो चुकी है। इसको मैं अभी देता हूँ नेम एज अ सैम्पल आइटम। ओके, दिस इज़ माई सैम्पल आइटम। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट करनी है प्राइस। यहाँ पे आप दो टाइप्स की प्राइस यहाँ पे आप रख सकते हो। ओके, तो एक जो है वो आप रियल प्राइस यहाँ पे रख सकते हो। सपोज यहाँ पे रियल प्राइस है मेरी 100 रुपीज़ और इसको मैं सेल करना चाहता हूँ 80 रुपीज़ में। तो यहाँ पे जो रफ होके जो प्राइस आ रही है वो ऐसे ही आपको डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन में शो करेगी। यहाँ पे इसकी यूनिट देनी है आपको। सपोज ये है मेरी पीसेस में मेरे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे करूँगा पीसेस। उसके बाद इसकी क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है मेरे पास। सपोज़ यहाँ पे मैं करूँगा 100 पीसेस फ़िलहाल अभी तो अवेलेबल है। उसके बाद GST की आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, अगर प्रोडक्ट्स का कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ये जो तीनों ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे ऐड कर सकते हो एज़ पर योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं इसका डिस्क्रिप्शन सैम्पल ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे इट्स सैम्पल डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद साइजेस। सपोज़ अगर प्रोडक्ट्स आपके होंगे कुछ क्लोथ्स या शूज़, तो उस टाइम आप यहाँ पे साइजेस उसकी अपडेट कर सकते हो। सपोज़ अभी फ़िलहाल साइजेस अगर यहाँ पे अगर मेरा कुछ क्लोथ्स का आइटम है तो यहाँ पे मैं डालूँगा एक्स। ओके, उसके बाद एक्सेल कॉमा डबल एक्सेल, जो भी आप साइज़ यहाँ पे इंसर्ट करोगे वहाँ पे हर बार आपको कॉमा यहाँ पे देना होता है डबल एक्सेल। उसके बाद सपोज़ ट्रिपल एक्सेल। उसके बाद अगर आप कलर भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कलर सिलेक्शन का ऑप्शन भी दिया है। ओके, तो प्रोडक्ट्स के कलर जो भी है वो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इसको अभी मैं करता हूँ सेव। ओके, तो यहाँ पे देखो डेयरी जो हमारे कैटेगरी है उसमें हमने ये आइटम ऐड किया सैम्पल। अभी हम देखते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन में वहाँ पे हमको ये दिखाई देता है या नहीं। तो इसको मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश, एप्लीकेशन को मैं दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये आइटम तो यहाँ पे भी आ गए हैं फिलहाल माय फेवरेट में। तो हम उसे कैटेगरी से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। उसको हमने ऐड किया था डेयरी, डेयरी कैटेगरी में इसमें ऐड किया, तो मैं करता हूँ इसको ओपन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ही नंबर पे वो अपना जो आइटम था वो यहाँ पे अभी विजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप की प्राइजेस है, एक 100 रुपीज़ जो कि MRP प्राइस है और जो डील प्राइस है हमारी वो है 80 रुपीज़, यहाँ पे दोनों शो कर रही है। अभी मैं इसको करता हूँ ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे दो इमेजेस अपलोड की थी। जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे हमने दो इमेजेस अपलोड की थी, तो यहाँ पे दो इमेजेस एज अ स्लाइडिंग में आ गई है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो भी यहाँ पे इस टाइटल के नीचे हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने साइजेस ऐड की थी एक्स एक्सेल डबल एक्सेल, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है फिलहाल। उसके बाद जो कलर्स हमने लिए थे वो कलर्स भी यहाँ पे विजिबल है। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आइटम ऐड करने के लिए और कैटेगरी ऐड करने के लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितने आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसका कुछ इफ़ेक्ट आपके स्पीड पे भी नहीं होगा, क्योंकि जितना कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी आइटम है वो असिंक्रोनसली यहाँ पे
लोडिंग हो रहे, मतलब एक साथ सभी आइटम्स लोड नहीं होते, उसके वजह से यहाँ पे जो आपको स्पीड मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे एप्लीकेशन में। तो अभी सपोज़ इस आइटम को मुझे डिलीट करना है, तो मैं इस डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा एंड रिमूव पे क्लिक करने के बाद ये आइटम यहाँ से निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है यहाँ पे एडिट आइटम्स का। तो अगर आप यहाँ पे एडिट आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज़ मुझे इस डेयरी कैटेगरी के जो आइटम है उसको एडिट करना है, तो सिंपली मैं इस गियर के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं उसकी प्राइस अपडेट कर सकता हूँ, क्वांटिटी, जीएसटी कितना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, साइज़, ये सभी चीज़ें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं हम आइटम्स की। उसके बाद आता है हमारा ऑफ़र सेक्शन। ऑफ़र सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल ये 3 इमेजेस हज़ा मैंने बैनर के लिए वहाँ पे, जो आप देख रहे हो यूज़र एप्लीकेशन में जो बैनर इमेजेस स्लाइड हो रही है यहाँ पे होम स्क्रीन पे, ये वाली, तो वो इमेजेस जो है वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सपोज़ रिमूव करना है तो सिंपली आप डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अगर इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अपलोड 512x200 साइज़ बैनर। यहाँ पे साइज़ भी, यहाँ पे अगर इस साइज़ में आपकी बैनर इमेज होगी तो वो यूज़र एप्लीकेशन में भी अच्छी तरीके से विजिबल होगी, इसलिए वो साइज़ यहाँ पे हमने फिक्स कर दी है। उसके बाद जो आप ये कूपन कोड का सेक्शन देख रहे हो नीचे, तो ये कहाँ पे आएगा आपके यूज़र एप्लीकेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़ फर्स्ट टू अवेल 2% ऑफ। तो ये कूपन भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट टू अवेल 2% ऑफ। सपोज़ मुझे अभी इसको अपडेट करना है, यहाँ पे अभी मैं इसे नया वाला कूपन क्रिएट करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट FIRST फर्स्ट यूज़र, और उसको कितने परसेंट ऑफ देने हैं, सपोज़ मुझे यहाँ पे देने हैं 5% ऑफ, तो यहाँ पे मैं करूँगा 5%, और इसको करता हूँ मैं अपडेट। तो यहाँ पे देखो कि कूपन कोड अपडेट हो चुका है और यहाँ पे 5% ऑफ भी दिखा रहा है। अभी हम फिर से यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो कूपन कोड है यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट हो चुका है, फर्स्ट यूज़र टू अवेल 5% ऑफ। ये कूपन हर एक यूज़र के लिए एक ही बार यूज़ होगा। तो ये हो गया हमारा ऑफ़र सेक्शन। उसके बाद कंप्लीटेड ऑर्डर का जो सेक्शन है यहाँ पे आप दिखाई देगी, और अब माई शॉप लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शॉप्स के डिटेल है, शॉप का नेम, मिनिमम ऑर्डर, नेक्स्ट डिलीवरी कब रखनी है, सर्विस चार्ज, पेमेंट मोड कौन सा है शॉप का, उसका आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद ये नीचे अगर किसी यूज़र को अगर कोई इश्यू होता है एडमिन पैनल हैंडल करने में, तो वो डायरेक्टली यहाँ से जो डेवलपर है उनको डायरेक्टली यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। कुछ भी क्वेरी होगी आपकी तो वो यहाँ से आप उसे पूछ सकते हो। तो ये हुआ हमारा पूरा एडमिन पैनल। इसको मैं अभी फ़िलहाल करता हूँ लॉग आउट, और फिर से हम एडमिन पैनल ओपन करते हैं यहाँ से। अभी सपोज़ आपका अगर शॉप मल्टी वेंडर एप्लीकेशन है, आपका जो एप्लीकेशन यूज़र का है जो मल्टी वेंडर अगर होगा, तो यहाँ पे आपको एक अलग सा लॉगिन भी प्रोवाइड किया जाता है, वो है सुपर एडमिन। तो सुपर एडमिन में जाके कौन कौन से ऑप्शन वहाँ पे दिए गए वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एडमिन करके लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे ऑप्शन सुपर एडमिन को दिए गए हैं। तो यहाँ से सुपर एडमिन भी जो भी ऑर्डर्स है अपने वो यहाँ से देख सकता है। अभी एक ही अपना जो शॉप है वो यहाँ पे हमने ऐड किया है जो कि फ्रेश फ्रूट नेम से है, तो अगर इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो फ़िलहाल अभी तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करता। तो जो भी ऑर्डर्स शॉप ओनर को दिखाई देंगे वो सभी यहाँ पे भी सुपर एडमिन को भी यहाँ पे विजिबल होगी। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई नया शॉप ऐड करना है तो यहाँ से मैं न्यू शॉप ऐड कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल एक शॉप यहाँ पे दिया गया है। सपोज़ मुझे लगता है कि यहाँ से मैं और एक शॉप ऐड करना है, तो प्लस साइन पे क्लिक करके
यहाँ पे आप पूरा डिटेल फिलअप करके नया शॉप भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे शॉप की इमेज होगी, उसके बाद शॉप का नेम, ओके, मिनिमम ऑर्डर कितनी है शॉप की, शॉप के टाइमिंग, डिलीवरी टाइम, सर्विस चार्ज, पेमेंट मोड, शॉप आईडी और शॉप का पासवर्ड। ये यहाँ से सुपर एडमिन सेट कर सकता है। सुपर एडमिन ने जब भी शॉप ऐड किया तो उसके बाद वो शॉप ओनर को उसका आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके देगा, और बाकी का जो काम है कैटेगरी क्रिएशन का और प्रोडक्ट्स ऐड करने का, वो सब शॉप ओनर हैंडल करेगा। तो ये हो गया हमारा शॉप एडिंग का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से आप शॉप की जो सेल है वो भी यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। अभी मेरा जो शॉप है वो है फ्रेश फ्रूट के नेम से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो पूरे मंथ की जो टोटल सेल हुई है एप्लीकेशन से वो कितने की है, और ये आप डे बाय डे भी देख सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल सेल कितना हुआ है, हर डेट वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 25th ऑफ दिसंबर को मेरा जो टोटल सेल है वो है 52 रुपीज़, ये है 250 रुपीज़। ऐसे हम डे वाइज भी यहाँ से सेल देख सकते हो। उसके बाद यूज़र की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से एप्लीकेशन की जो सेटिंग है, जो हमारा मेन एड्रेस है, यहाँ से आप उसको उसकी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड डाल के आप एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, ताकि जब भी कोई न्यू यूज़र एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा उसके नियर बाय जो शॉप होगी उसको वो विजिबल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमने मल्टी वेंडर एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया है। ओके, उसके बाद किसी शॉप की आपको एडवर्टाइज करनी है तो यहाँ से आप उसकी एडवर्टाइज भी कर सकते हो ये बैनर अपलोड करके। ओके, ये मल्टी वेंडर में होगा। मल्टी वेंडर का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो मल्टी वेंडर का है ये वाला, ये मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 शॉप्स यहाँ पे ऐड किए हैं, और ऊपर के साइड में जो बैनर स्लाइड हो रहे हैं ये बैनर आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्रिएट अ बैनर एड्स फॉर शॉप्स। ओके, तो यहाँ से आप ये शॉप की बैनर साइड चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने 3 शॉप्स यहाँ पे ऐड किए हैं, और शॉप्स का जो डिटेल है जो भी हम सुपर एडमिन वहाँ से फिलअप करेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। शॉप का शॉप की इमेज, शॉप का नेम, मिनिमम ऑर्डर कितनी है, शॉप का टाइमिंग क्या है, सर्विस फी कितनी है, पेमेंट मोड कौन सा है, ये सारी चीज़ें सुपर एडमिन वहाँ से अपडेट कर सकता है। सपोज अभी मैंने ये फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट है उसको अभी यहाँ पे मैंने ओपन किया है, तो उसके आइटम मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद सपोज़ मुझे चेंज करना है इस शॉप को, ये देखो यहाँ पे ये क्लोज्ड करके आ रहा है। सपोज़ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शॉप की जो स्टेटस है वो भी डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये क्लोज्ड शॉप। सपोज़ मुझे लगता है कि आज संडे है और मुझे शॉप जो है मेरी क्लोज रखनी है, तो यहाँ से आप शॉप को क्लोज्ड कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, वो क्लोज करके आप उसकी स्टेटस चेंज कर सकते हो। अगर शॉप क्लोज हुई तो यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अभी तो हम जाते हैं सपोज़ रेस्टोरेंट में ही जाएंगे, ये वाले में जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप कौन सी भी शॉप होगी आपकी, रेस्टोरेंट होगा, ओके, उसके बाद सपोज़ क्लोथ्स का होगा, शूज़ का शॉप होगा, तो सभी शॉप्स के लिए आप ये एप्लीकेशन जो है मल्टी वेंडर वाला वो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम जाते हैं अभी एडमिन पैनल में। तो यहाँ पे हमने जितनी भी सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग टू सुपर एडमिन एंड शॉप मैनेजर वो हमने यहाँ पे देख ली है। ओके, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।